हाय दोस्तों, मैं हूँ ईश्वर। आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल रेसिपी संस में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का रेसिपी हम बनाने वाले हैं पालक के पकोड़े। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पालक के पकोड़े बनाने का पूरा प्रोसेस। उससे पहले हम प्रोसेस दिखाएं दोस्तों, हमारे चैनल रेसिपी संस को सब्सक्राइब कर ले। हमने लगभग 6 से 7 पालक के पत्ते ले लिए हैं, उसे इस साइज में हमने काट लिया है। देखिए साइज थोड़ा सा बारीक भी नहीं और ज्यादा बड़ा भी नहीं, हमने मीडियम साइज में पालक को काट लिया है। और पालक में हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई प्याज। देखिए दोस्तों, हमने प्याज को इतना बारीकी से काट लिया है। हमने 2 छोटे साइज के प्याज लिए हैं, प्याज को ज्यादा ऐड नहीं करना है दोस्तों। अगर ज्यादा प्याज हो गया तो पालक का टेस्ट नहीं आएगा। प्याज के बाद हमने ले लिया है आधी चम्मच अजवाइन। अजवाइन के बाद हमें ऐड कर लेना है 2 बारीक कटी हुई मिर्ची। हरी मिर्च आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, हमने इसे ऐड कर लिया। ये है दोस्तों चिकन मसाला, हमने आधी चम्मच चिकन मसाला का यूज किया है ताकि पकोड़े में चिकन का फ्लेवर आ सके और खाने में भी स्वादिष्ट बने। हमें नमक बिल्कुल भी अभी ऐड नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि नमक अभी ऐड कर दिया तो हमें पता नहीं चलेगा कि नमक कितना लगेगा। तो हमें नमक सबसे आखिर में ऐड करना है। तो नमक ऐड करने से पहले हम अब ऐड कर लेंगे बेसन। बेसन सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून हमने बेसन ले लिया है, इसे मिलाते रहेंगे। अगर जरूरत पड़े तो फिर एक्स्ट्रा बेसन हम ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। तो अच्छी तरीका से बेसन इसमें मिलाना है। देखिए हम मिला रहे हैं, लगातार हम मिला रहे हैं बेसन को। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे, क्योंकि अब हम अंदाजा हो चुका है कि हमें कितना नमक ऐड करना है। तो हम इसमें अपने जरूरत के हिसाब से आधी टीस्पून हमने नमक ऐड कर लिया। हमारा बटर पूरा परफेक्टली रेडी हो चुका है दोस्तों। देखिए हमारा बटर पूरा परफेक्टली रेडी हो चुका है। इसी तरीका का बटर आपको भी बनाना है। पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम कीजिए, ना के बराबर, क्योंकि पालक में ऑलरेडी पानी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसे फ्राई करने का प्रोसेस। दोस्तों हमने ऑयल को इतना अच्छे तरीका से हीट कर लिया है कि हमने जो भी बेसन और पकौड़ा को थोड़ा सा ढाला है तो तुरंत ऊपर आ गया। तो अब हम हीट को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब अपना जो भी बटर है, बटर को एक एक करके पकोड़ा जैसा छोड़ते रहेंगे ऑयल में। याद रहे दोस्तों, ऑयल बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे पकोड़ा को ना पकाएं, फ्लेम मीडियम कर दें, वरना पकौड़ा ऊपर से जल जाएंगे और अंदर नहीं पकेंगे। अब हम थोड़ा सा इसे हिला लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पकौड़ा धीरे धीरे ब्राउन कलर में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर हो रहा है। तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले पालक ले लिया था। पालक के 6 से 7 पत्ते हमने ले लिए। उसके बाद 2 छोटी से प्याज हमने ले लिए थे बारीक कटी हुई, और 2 मिर्ची हमने ऐड किए, थोड़ा सा अजवाइन ऐड किए, थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड किए, और ज़रूरत के हिसाब से नमक, और फिर हमने आखिर में बेसन ऐड करके हमारा पकौड़ा को हमने तैयार कर लिया। हम बहुत ही सिंपल ट्रिक से इस पकौड़ा को तैयार किए हैं दोस्तों। आप घर पे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। थोड़ा रेड कलर का हो चुका है, अब हम इसे उतार लेंगे और इसे हमें ज़्यादा डीप ब्राउन नहीं करना है। देखिए इतना ही आपको ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन करे तो पकौड़ों का स्वाद खराब हो सकता है। हमने धीरे धीरे से हमने निकाल लिया है, धीरे धीरे करके हम पूरा पकौड़ा को निकाल लेंगे बाहर। तो गाइज हमने फाइनली पालक के पकोड़े बना लिए हैं।
ऐसा हो सकता है क्या हम पकोड़े बनाएं और चक्कर आपको ना बताएं? चलिए हम आपको पालक के पकोड़े चक्कर बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। हमने ले लिया है थोड़ा सा सॉस स्वाद के लिए और ये रहा हमारे पकोड़े। तो चलिए एक पकोड़े हमने ले लिया है। देखिए दोस्तों, पकोड़ा बहुत ही अंदर से पक चुका है, बहुत ही बढ़िया से पक चुका है, झक्कास। इसमें जो अजवाइन और चिकन मसाला का फ्लेवर हमने डाला था वो बहुत ही उभर कर आया है दोस्तों, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। प्याज हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया था जिसके वजह से प्याज का स्वाद कम और पालक का स्वाद हमें बहुत ही मजेदार दे रहा है। तो गाइस फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।